प्रेम से बोलिए करौली सरकार की जय, सच्चे दरबार की जय। आशा करती हूँ आप सभी लोग पूजने बाबा जी की कृपा से बहुत ही अच्छे एवं स्वस्थ होंगे। आज मैं अपने इस वीडियो में लेपन के बारे में जानकारी देने जा रही हूँ। जैसा कि पूजने गुरु जी द्वारा बताया गया है कि अगर आपके पूरे प्रोसेस हो चुके हैं दरबार के, तो लेपन का भी प्रयोग आपको ज़रूर ही करना है। लेपन का प्रयोग आप सभी लोगों को ज़रूर से करना है। तो आज मैं अपने इस वीडियो में लेपन के बारे में जानकारी देने जा रही हूँ। लेपन पूजने बाबा जी एवं माता जी द्वारा सिद्ध किया गया है, जिसका प्रयोग मस्तिष्क की सूजन को समाप्त करने के लिए किया जाता है। लेपन का प्रयोग मस्तिष्क की सूजन को समाप्त करने के लिए किया जाता है। लेपन के लाभ। लेपन का प्रयोग करने से स्मरण शक्ति बढ़ती है, मस्तिष्क ठंडा रहता है, नकारात्मक विचार नहीं आते हैं एवं लेपन का प्रयोग करने से क्रोध कम होता है। लेपन का प्रयोग क्रोध को कम करता है। लेपन की विधि व प्रक्रिया, लेपन को हम किस तरह से लगाना है। लेपन का प्रयोग करने के लिए सबसे पहले साथ में दिए गए मलमल के कपड़े को सादे पानी से गीला कर लेंगे, फिर उसे निचोड़ लेंगे, फिर पूरे सिर पर यह कपड़ा फैला लेंगे। चारों तरफ से साथ में दिए गए बैंड से कपड़े को अच्छी तरह से टाइट बांध लेंगे, जैसा मैं तस्वीर में दिखा रही हूँ। इसके बाद लेपन की डिब्बी किसी कांच या प्लास्टिक की कटोरी में पूरा लेपन निकाल लेंगे, उसमें थोड़ा सा गुलाब जल मिलाएंगे। ये ध्यान देने वाली बात यह है कि गुलाब जल ज़्यादा नहीं मिक्स करेंगे, बल्कि इतना ही डालेंगे कि लेपन जो है वो रोटी के आटे जैसा हो, ना बहुत ज़्यादा पतला हो जाए और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाए। इसके बाद यह लेप जो है वो सिर पर ढके कपड़े पर अच्छी तरह से फैला देंगे। इसे एक से सवा घंटे तक आपको सर में लगाकर रखना है। ध्यान देंगे, इसको एक से सवा घंटे तक सर में लगाकर आपको रखना है। समय पूरा होने के बाद हेयरबैंड को सावधानी से खोलकर सावधानी से कपड़ा उतार लेंगे, ताकि लेपन जो है वो इधर उधर बिखर ना पाए। इसके बाद इस लेप को फिर से उसी डिब्बे में डालकर रख देंगे, और हो सके तो उसमें थोड़ा सा गुलाब जल मिलाकर आप रख सकते हैं। अगले दिन फिर से यही प्रक्रिया अपनानी है। इस तरह एक डिब्बे से आप 5 बार लेपन लगा सकते हैं। इसी प्रकार 3 माह तक यह लेपन आपको लगाना है। और जिन लोगों को बहुत ज़्यादा समस्या थी, जिनको बहुत ज़्यादा पेशी आती थी और जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा पागल पूर्वज लदे हुए थे, तो पूजने गुरु जी द्वारा बताया गया है कि वो लोग 6 महीने तक लेपन का प्रयोग कर सकते हैं। और एक बात मैं बताना चाहूँगी, लेपन का प्रयोग करने के पहले ध्यान यह रखना है कि आप लेपन को लोहे, स्टील आदि की धातु वाली कटोरी में न रखें। ध्यान देंगे कि लेपन को लोहे, स्टील आदि की धातु वाली कटोरी में न रखेंगे और न ही उसके चम्मच आप प्रयोग करेंगे, बल्कि कांच या प्लास्टिक की कटोरी या चम्मच का आप प्रयोग कर सकते हैं। और एक ध्यान देने वाली बात यह है कि एक डिब्बे लेपन को आपको सिर्फ 5 बार ही यूज़ करना है। एक डिब्बे लेपन को आपको 5 बार ही प्रयोग में लाना है। अगर आप इसको 6ठे बार यूज़ करेंगे तो इसके दिव्य शक्तियाँ काम नहीं करेंगी। और एक बात मैं बताना चाहूँगी, एक डिब्बे लेपन की कीमत 1250 रुपये है, जिसे आप करौली सरकार दरबार लौकुश आश्रम ग्राम करौली कानपुर से प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी लाभप्रद होगी और आप लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करेंगे। तो प्रेम से बोलिए करौली सरकार की जय, सच्चे दरबार की जय। हरि हरि।